बबलू बन्ना ब्लॉग्स जो कि एक वायरल लड़का है, अभी रिसेंट ही वो वायरल हुए थे और उनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस भी बन चुका है और उनके मिलियन में भी व्यूज जा रहे हैं और अच्छे खासे डेली उनका व्यूज भी चला जाता है। तो कुछ लोग हैं यूट्यूब पर जो कि गंदगी फैला रहे हैं, कचरा कर रहे हैं और वो इसको जो है कॉपीराइट क्लेम वगैरह दे रहे थे और एक वीडियो तो हट गया था और उसके बाद जो 1 मिलियन प्लस इसका व्यूज है वो वाला वीडियो माय फर्स्ट व्लॉग, तो उस पे भी जो है मतलब रिक्वेस्ट क्लेम आने वाला था कि 7 दिन में अगर वीडियो डिलीट हो जाता है तो हट जाता है, नहीं तो आपको ये मिल जाएगा क्लेम और आपका वीडियो भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो फिर बबलू बन्ना जो है वो बहुत परेशान हो गया, फिर उसने आदित्य ब्लॉग से कांटेक्ट किया, फिर आदित्य ब्लॉग ने मनोज दे सर से कांटेक्ट किया, फिर मनोज दे सर ने संदीप बुल्लर सर का नंबर दिया, संदीप बुल्लर सर से कांटेक्ट करवाया, फिर बबलू बन्ना ब्लॉग्स संदीप बुल्लर सर से कांटेक्ट किया, फिर संदीप बुल्लर सर ने उनका आईडी पासवर्ड वगैरह लिया उनके चैनल का, उसके बाद सारी चीजें देखी, फिर उसने पता किया कि आखिर इसको किसने दिया है, फिर वो उनसे बात किया, फिर उन्होंने सारी चीजें अभी ठीक कर दी है। अभी बबलू बन्ना ब्लॉग्स के चैनल पर एक भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं है और जो आने वाली थी 1 मिलियन व्यूज वाले वीडियोस पर वो भी हट चुकी है, अभी उसका चैनल पूरी तरह से सेफ है। तो संदीप बुल्लर सर बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने अपने पोस्ट में भी बताया है, कम्युनिटी पोस्ट में भी, कि अगर किसी बंदे के ऊपर अगर यूट्यूब की तरफ से जेन्युइन हकीकत में आपने गलती की है और उस पर स्ट्राइक आया है, क्लेम आया है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बंदा फेक आपको जलनशील भावना से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, फेक कॉपीराइट क्लेम दे रहा है तो संदीप बुल्लर सर जरूर आपकी मदद करेंगे। तो संदीप बुल्लर सर के अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं मेंशन कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप संदीप बुल्लर सर से जाकर उनके वीडियोस को देखिए, उनके चैनल से आपको काफी चीजें नॉलेज मिल सकती है और आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, इन फ्यूचर अगर आपके साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप संदीप बुल्लर सर से हेल्प ले सकते हैं। तो संदीप बुल्लर सर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और अभी बबलू बन्ना ब्लॉग्स का चैनल सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, फालतू में दूसरे को परेशान करते रहते हैं, वो खुद मेहनत ना करके दूसरे को परेशान करते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, खुद मेहनत कीजिए। जिस तरह से बबलू बन्ना ब्लॉग्स वायरल हुआ उसके बाद लगातार मेहनत किया जा रहा है, उसी तरह से मेहनत करना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी किसी का चैनल को देखकर जलना नहीं चाहिए, किसी को देखकर हमें अपने मन में हीन भावना नहीं पैदा करना चाहिए, बल्कि हमें तो और ये होना चाहिए कि सारे जो है हमारे कम्युनिटी के, हमारे फैमिली हैं, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है, वो मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे और एक दिन जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।